जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आप सभी को पता है हम लक्ष्मीकांत जो किताब है वो कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, और आप सभी को ये जो वीडियोस है पसंद आ रहे हैं, काफ़ी मेल आते हैं मुझे, तो अच्छा लग रहा है, मुझे भी मोटिवेशन मिल रहा है। इसलिए मैं भी कोशिश कर रहा हूँ जल्दी से जल्दी आपके सामने जो वीडियोज़ है वो लाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब हम जो लक्ष्मीकांत किताब है उसके जो पहले के चैप्टर्स है फंडामेंटल राइट के पहले के, वो सारे कवर कर चुके हैं। फंडामेंटल राइट भी जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है उसके पहले के जितने भी टॉपिक्स हैं वो हम कवर कर चुके हैं। उसके डायरेक्ट प्रिंसिपल के बाद के जो चैप्टर्स है बेसिक स्ट्रक्चर तक के, वो भी हम कवर कर चुके हैं। आपको प्लेलिस्ट पर आप वो जाकर देख सकते हो। तो अब इस वीडियो में हम फ्रीडम ऑफ रिलीजन देखने वाले हैं, और इस वीडियो को आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूँ मैं, मयूर मोगरे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला है आर्टिकल 25। आर्टिकल 24 तक हम देख चुके हैं। आर्टिकल 25 है फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड फ्रीडम फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। मतलब यहाँ क्या हो रहा है, आर्टिकल 25 है, इसे हम अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं आगे। मतलब हर एक इंसान जो है, कोई भी इंसान हो, उसे अपना जो रिलीजन है वो फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस है उसे, और जो भी रिलीजन है वो फ्रीली प्रोफेस कर सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है और प्रोपोगेट भी कर सकता है। बराबर है। इसका मतलब क्या है कि अब योगी आदित्यनाथ जो है, अब वो अपना रिलीजन प्रोपोगेट करते हैं हर जगह पर, तो वो उनका राइट है। अगर हम क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि नहीं उन्होंने ऐसा नहीं करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मगर उन्हें वो हक है, उनका फ्रीडम, उनका फंडामेंटल राइट है वो कि अपना जो रिलीजन है वो प्रोपोगेट कर सकते हैं। एंड सेम गोज़ फॉर ओवैसी साहब। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, इस तरीके से जो भी इंसान है वो अपना रिलीजन फ्रीली प्रोफेस कर सकता है, किसी को भी बता सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है और प्रोपोगेट भी कर सकता है। मतलब अपने रिलीजन के बारे में जो अच्छी चीज़ें हैं वो बता सकता है लोगों को, और उसके बाद उसे हम कहते हैं प्रोपोगेट करना। अब नेक्स्ट हम एक एक करके देखते हैं फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस मतलब क्या होता है। इसका मतलब है इनर फ्रीडम ऑफ एन इंडिविजुअल टू मोल्ड हिज रिलेशन विद गॉड और क्रिएचर इन वॉट एवर वे डिज़ायर। मतलब क्या है कि फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस मतलब क्या है कि जो भी इनर फ्रीडम होगा जो भी इंडिविजुअल का, टू मोल्ड हिज रिलेशन विद द गॉड, मतलब क्या है कि जो भी मेरा इनर फ्रीडम है, मतलब बाहर का तो फ्रीडम वो तो अलग ही है, मगर इनर फ्रीडम जो है, जो हम मेडिटेशन के थ्रू प्राप्त करते हैं, जो भी हमारा इनर फ्रीडम है और जो भी हमारा रिलेशन है गॉड के साथ, मतलब मैं सपोज कृष्णा जी को अपना दोस्त मानता हूँ या गणेश जी को अपना दोस्त मानता हूँ, तो मैं अपना रिलेशन जो है, अपना रिलेशन अपने तरह से सेट कर सकता हूँ। मतलब ये नहीं है कि मुझे रिस्ट्रिक्शन देंगे, नहीं, तुम्हें उसी तरीके से पूजना पड़ेगा वो भगवान को, इस तरीके से नहीं कर सकते। अपना रिलीजन में, अपने रिलेशन में गॉड के साथ अपने तरीके से पेश कर सकता हूँ। अब इसका ये भी मतलब नहीं है कि एकदम मैं ये बोलने लग जाऊँ कि आई एम गॉड, ये भी गलत है। राइट टू प्रोफेस। अब राइट टू प्रोफेस मतलब क्या है, डिक्लेरेशन ऑफ वंस रिलीजियस बिलीफ एंड फेथ ओपनली एंड फ्रीली। मतलब यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर प्रोफेस हो रहा है, मतलब अपने जो भी रिलीजन के बिलीफ है वो मैं फ्रीली प्रोपोगेट कर रहा हूँ। मतलब यहाँ पर कोई ऐसा मुझे रिस्ट्रिक्शन नहीं हो सकता है कि नहीं तुम ये जो रिलीजन है ये फॉलो नहीं कर सकते हो, या फॉलो कर रहे हो तो ये पब्लिक में नहीं बता सकते हो, फ्रीली नहीं बता सकते हो। अगर तुमने ये रिलीजन बता दिया, मतलब तुम एकदम वो रिलीजन के ही ये हो गए, इस तरीके के से नहीं हो सकता है। हर एक को अपना रिलीजन जो है, अपने जो बिलीफ है, अपने जो फेथ है, वो ओपनली और फ्रीली बताने का हक है। अब राइट टू प्रैक्टिस। परफॉर्मेंस ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिसेस वर्शिप रिचुअल्स एक्सेट्रा। मतलब यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ जो भी, अब क्या हुआ, सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले मैं अपना जो रिलीजन है वो एक रिलेशन बना दिया मैंने गॉड के साथ, ठीक है। सपोज़ फॉर एग्जांपल, अगर मैंने कृष्णा जी के साथ, हमने जो रिलेशन है, मेरे फ्रेंड के रिलेशन है, मेरे गणेश जी के साथ फ्रेंड के रिलेशन है, वो मैंने रिलेशन बना दिए। उसके बाद अब मैंने इनर फ्रीडम मुझे मिल गया है, बराबर है। अब इनर फ्रीडम जब मुझे मिल गया है कॉन्साइंस के साथ, तो उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद मैं प्रोफेस कर रहा हूँ, मतलब मेरा जो रिलीजन है वो मैं लोगों को बता रहा हूँ फ्रीली एंड ओपनली, बराबर है। मेरी ये बिलीफ है, मेरे ये फेथ है, मैंने कृष्ण जी के साथ अपना जो रिलेशन है वो दोस्त का बना लिया है, मैंने गणेश जी के साथ अपना जो दोस्त का रिलेशन है वो बना लिया है, मैंने दुर्गा माता के साथ माँ का रिलेशन जो है वो बना लिया है। तो इस तरीके से मैंने अपना जो रिलीजन है, अपना जो बिलीफ है, वो लोगों को फ्रीली बता दिए। उसके बाद अब मैं जो अपना रिलीजन है उसको प्रैक्टिस अच्छे से कर सकता हूँ, वर्शिप अच्छे से कर सकता हूँ, जो रिचुअल्स है वो अच्छे से फॉलो कर सकता हूँ। तो ये हो गई थर्ड स्टेप।
मतलब जो भी रिलीजियो जो भी रिचुअल्स होंगे वो करने से कोई भी रोक नहीं सकता है, ठीक है। फिर वो कोई भी क्यों ना हो, वो रोक नहीं सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है राइट टू प्रोपोगेट। अब राइट टू प्रोपोगेट में आता है कि ट्रांसमिशन एंड डिसिमिनेशन ऑफ वंस रिलीजियस बिलीफ टू अदर्स। मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अपने जो भी रिलीजन के बारे में अच्छाइयाँ हैं वो लोगों तक पहुँचाना, उसे हम कहते हैं प्रोपोगेट करना। जो भी अपने बिलीफ है वो लोगों तक बताना, उसे कहते हैं प्रोपोगेट करना। इस्लामिक रिलीजन में ये सारी चीज़ें अच्छी अच्छी है, ये अल्लाह ने बोला हुआ है, तो इस तरीके से वो क्या हो रहा है, ये मतलब प्रोपोगेट करना हो रहा है। जो भी हिंदू रिलीजन है उसमें भगवद गीता में ये बोला गया है, ये इस तरीके से पीस सिखाया गया है, तो ये सारी चीज़ें हैं। ये हो गया हिंदू रिलीजन को प्रोपोगेट करना, बाइबल में ये सारी चीज़ें लिखी गई है। ये हो गया जो क्रिश्चियनिटी है उसे प्रोपोगेट करना। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर हम एग्जाम्पल के थ्रू देखें तो यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि पूरे इसको अगर हम सिनारियों का अगर शॉर्ट में देखें तो यहाँ पर ऐसा हो रहा है, अगर सपोज शाहरुख खान काजोल के साथ शादी करना चाह रहे हैं माय नेम इज़ खान में, तो वहाँ वो उन्हें ऐसे बोल रहा है कि मैरी मी माय नेम इज़ खान एंड आई एम नॉट अ टेररिस्ट। उसके बाद मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर, मतलब अब यहाँ पर कोई लिटरली लेना नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए है कि यहाँ पर अपने इसको वो बता रहे हैं, मतलब अपने बारे में अच्छा ही बता रहे हैं कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ, मैं एक अच्छा इंसान हूँ, मैं ये सब करता हूँ, वो सारी चीज़ें उन्होंने बताई। उसके बाद यहाँ पर ये बोल रही है कि मैं मैरिज तो करूँगी तुम्हें, मैं शादी करूँगी तुम्हारे साथ, लेकिन मैं अपना जो रिलीजन है उसे फॉलो करूँगी। बराबर है, मतलब यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर कोई थोपेगा नहीं किसी का भी रिलीजन किसी पर भी। यहाँ पर हर किसी को हक है कि अपना रिलीजन जो है वो फॉलो करे, किसी के भी दबाव में आकर वो अपना रिलीजन नहीं छोड़ सकता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई यहाँ पर, जो हमने पूरा जो सिनारियो है उसे शॉर्ट में यहाँ पर देख लिया है। अब यहाँ पर सपोज अब जैकलिन श्रीलंका से आती है, अब उनकी सपोज फॉर एग्जांपल उनका जो रिलीजन है वो क्रिश्चियनिटी है, अब वो क्रिश्चियनिटी यहाँ पर अगर फॉलो कर रही है, लेकिन यहाँ पर कोई उन्हें ऐसा कर सकता है, अब वो तो सिटीज़न नहीं है ना, अब सिटीज़न नहीं है तो फॉरेनर है, मतलब वो क्या हो गई, वो नॉन सिटीज़न हो गई, वो एलियन हो गई। तो अब वहाँ यहाँ पर आकर कोई उन्हें बोल रहा है कि नहीं तुम यहाँ पर क्रिश्चियनिटी फॉलो नहीं कर सकती हो, जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ के लोग जो है वो उन्हें हक है कोई भी चीज़ फॉलो करने का, तुम तो बाहर से आई हो, तुमको हक नहीं है कोई भी रिलीजन फॉलो करने का, तो तुम यहाँ पर आके जो हम बोलेंगे वही रिलीजन तुम्हें फॉलो करना पड़ेगा। तो उनकी ये हालत हो जाती है। अब ये जो है ये सही है क्या, ये हो सकता है क्या, ये नहीं हो सकता है, क्योंकि जो भी चीज़ें हैं वो सिटीज़न और एलियन दोनों पर लागू होती है। मतलब ये जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है ये सिटीज़न पर भी लागू होता है और ये एलियंस पर भी लागू होता है जो कि नॉन सिटीज़न है, मतलब बोथ सिटीज़न एंड नॉन सिटीजन्स, ठीक है। मतलब जैकलिन को भी कोई ज़बरदस्ती फोर्स नहीं कर सकता है कि तुम अपना रिलीजन छोड़ के हमारा जो रिलीजन है वो फॉलो करने लग जाओ। अब यहाँ पर जो सरकार है वो यहाँ पर क्या क्या कर रही है, कर सकती है, वो यहाँ में देखते हैं हम, जैसे कि मोदी जी बोल रहे हैं मित्रों यहाँ पर क्या क्या कर सकते हैं, रेगुलेट और रिस्ट्रिक्ट एनी फाइनेंशियल इकोनॉमिक एंड अदर सेक्युलर एक्टिविटीज़ एसोसिएटेड विद द रिलीजियस प्रैक्टिसेस। मतलब क्या है, यहाँ पर जो सरकार है मतलब जो गवर्नमेंट है वो रेगुलेट कर सकती है, रिस्ट्रिक्ट कर सकती है कोई भी फाइनेंशियल इकोनॉमिक और कोई भी अदर सेक्युलर एक्टिविटीज़ जो होती है जो भी रिलीजियस प्रैक्टिस से एसोसिएटेड हो। अब यहाँ पर गवर्नमेंट जो है वो दूर रहती है, बराबर है, किसी भी एक रिलीजन को फॉलो नहीं करती है, किसी भी एक रिलीजन के लिए किसी भी एक रिलीजन को वो प्रमोट नहीं करती है, जो स्टेट है वो, जो सरकार है वो, जो गवर्नमेंट है वो। मगर यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर कोई कोई चीज़ें करने का कुछ कुछ चीज़ें करने का गवर्नमेंट को हक है, मतलब गवर्नमेंट भी यहाँ पर बोलती है कि मुझे हक है, तो यहाँ पर रेगुलेट कर सकती है, रिस्ट्रिक्ट कर सकती है जो कोई भी फाइनेंशियल या फिर इकोनॉमिक एक्टिविटी जो भी सेक्युलर एक्टिविटी से रिलेटेड हो, ठीक है। और ये क्या होता है, ये स्टेट के हित में रहना चाहिए, जो स्टेट में लोग रहते हैं उनके हित में रहना चाहिए, तो ही ये जो गवर्नमेंट है ये कर सकती है। बेमतलब का कोई भी चीज़ कि मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे तुम विसर्जन नहीं कर सकते हो, तुम ये नहीं कर सकते हो, तुम वो नहीं कर सकते हो, इस तरीके की चीज़ें जो लॉजिकली ना हो, जो हितकारक ना हो, इस तरीके की चीज़ें करना मतलब थोड़ा अजीब सा हो जाता है। गवर्नमेंट कर सकती है जो उन्हें चाहिए वो, लेकिन ये सारी चीज़ें हैं गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्ट कर सकती है, रेगुलेट कर सकती है। उसके बाद प्रोवाइड फॉर सोशल वेलफेयर रिफॉर्म और थ्रू ओपन हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस ऑफ पब्लिक कैरेक्टर टू ऑल क्लासेस एंड सेक्शन ऑफ हिंदूज। मतलब यहाँ पे सोशल वेलफेयर रिफॉर्म के लिए कोई भी चीज़ें कर सकती है, जो भी इंस्टीट्यूशंस है वो ओपन कर सकती है,
तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं, ये गवर्नमेंट कर सकती है, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 25 कंटेंट टू एक्सप्लेनेशन। अब यहाँ पर आर्टिकल 25 जो है, हम आर्टिकल 25 देख रहे हैं, इसमें दो एक्सप्लेनेशन दिए हुए हैं। अब दो एक्सप्लेनेशन मतलब ये कौन से हैं? ये है कि वियरिंग किरपांस, अब जो भी किरपांस होते हैं आप सभी को पता होगा, तो वो वियर करना वो प्रोफेशन में इंक्लूडेड है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं हो सकता है कि ये तुम नहीं पहन सकते हो, इस तरीके का नहीं है, ये प्रोफेशन में इंक्लूडेड है, ये तुम्हारा हक है। और दूसरी चीज़ है कि हिंदूज़ जो है उसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, नहीं तो ऐसे तो बहुत सारी कम्युनिटीज़, बहुत सारे रिलीजन हो जाएंगे। तो इसलिए काफ़ी जो कम्युनिटीज़ हैं उन्हें एक हिंदू रिलीजन में डाला गया है। तो हिंदू रिलीजन में कौन कौन आते हैं? तो सिख, जैन और बुद्धिस्ट भी हिंदू रिलीजन में आते हैं, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर। अब आर्टिकल 26 पर हम जाते हैं। आर्टिकल 25 में हमने देख लिया क्या क्या है, कंसेंस है, प्रोपोगेट है, प्रोफेस है, तो वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पर देख ली अच्छे से। अब उसके बाद हम चलते हैं फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर मतलब आर्टिकल 26 पर। आर्टिकल 26 कहता है कि राइट टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशन फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर कोई भी इंसान, कोई भी बाबा अपने जो इंस्टीट्यूशन है, जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन होंगे, जो चैरिटेबल पर्पस के लिए कोई भी जो है वो एस्टैब्लिश कर सकता है और मेंटेन कर सकता है वो इंस्टीट्यूशन को, ठीक है। अब ऐसे जो इंस्टीट्यूशंस रहेंगे, ऐसे जो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस रहेंगे, राइट टू मैनेज इट्स ओन अफेयर इन मैटर ऑफ रिलीजन, मतलब ये खुद के जो अफेयर है खुद यहाँ पर ये करेंगे। ये नहीं बोल सकते हैं सरकार को कि हमारा जो ये है इसे प्रोपोगेट करो। जैसे कोई भी नई कंपनी खोलना है तो उसके लिए स्टार्टअप इंडिया है, स्टैंडअप इंडिया है, तो उस तरीके की चीज़ें यहाँ पर नहीं हो सकती है। मतलब राइट टू मैनेज इट्स ओन अफेयर इन मैटर ऑफ रिलीजन, मतलब उसे हक है कि वो अपने जो अफेयर्स है वो खुद अपने तरीके से हैंडल कर सकता है, उसमें गवर्नमेंट का इंटरफियरेंस नहीं रहेगा। और भी काफ़ी सहूलत दी हुई है। उसके बाद राइट टू ओन एंड एक्वायर मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी, कोई भी मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो एक्वायर कर सकता है। जैसे आपने पीके मूवी देखी होगी तो उसमें उसे वो जो गले में पहनने का होता है वो मिल जाता है, तो वो हो गया इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो वो हो गई मूवेबल प्रॉपर्टी। अब वो मूवेबल प्रॉपर्टी जो है उसे मिल गई, उसने एक्वायर कर ली। मतलब बोलने का मतलब ये नहीं है कि मतलब कोई भी चीज़ ले सकते हैं, लेकिन ऐसा है कि वो एक्वायर कर सकते हैं मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी। उसके बाद राइट टू एडमिनिस्टर सच प्रॉपर्टी इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। अब ये जो भी प्रॉपर्टी है वो एडमिनिस्टर कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द लॉ। मतलब ऐसा नहीं है कि बेमतलब का ही किसी का भी मिल गया, वो कोई और ही चीज़ है, उसे भगवान के नाम पे लेके चढ़ा दिए कि ये भोलेनाथ का ये है, डमरू का टुकड़ा है, इस तरीके की चीज़ें नहीं हो सकती है। जो भी है वो लीगल लॉ के जरिए होना चाहिए, एडमिनिस्टर होना चाहिए वो चीज़, इमूवेबल एंड मूवेबल प्रॉपर्टी। अब आर्टिकल 25 एंड 26 में क्या फ़र्क है वो हम ज़रा यहाँ पर जान लेते हैं। तो आर्टिकल 25 क्या कहता है, राइट ऑफ इंडिविजुअल बोलता है वो, बराबर है ना। अब सपोज़ मैंने इनर फ्रीडम के ज़रिए जो भगवान है उनके साथ अपना रिलेशन बना दिया, मैं अपना रिलीजन बिलीव जो है वो फ्रीली एंड ओपनली सबको बता रहा हूँ, मतलब यहाँ क्या आ रहा है, मैं आ रहा है, मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पर इंडिविजुअल आ रहा है, बराबर है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, राइट टू रिलीजियस डिनोमिनेशंस, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक चीज़ नहीं आ रही है, यहाँ पर आ रही है कि तुम रिलीजन फॉलो कर रहे हो तो वो रिलीजन के जितने भी लोग होंगे वो ये जो चीज़ें हैं वो एडमिनिस्टर कर सकते हैं, जो भी लॉ के हिसाब से है वो मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है एक्वायर कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मतलब क्या हो रहा है, पर्टिकुलर रिलीजन के लिए आ रही है। मतलब यहाँ पर क्या है, आर्टिकल 25 इंडिविजुअल के बारे में बताता है, आर्टिकल 26 जो है एज अ होल रिलीजन के बारे में बताता है। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ रिलीजन। अब यहाँ पर आता है मेन मुद्दा टैक्सेशन। अब टैक्सेशन से कैसे छूट मिलते हैं वो यहाँ पर देखते हैं हम। आर्टिकल 27 के मुताबिक नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू पे टैक्सेस फॉर प्रमोशन और मेंटेनेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन और रिलीजियस डिनोमिनेशन। मतलब यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर हम टैक्स पे करते हैं, बराबर है। अब इसका ये मतलब नहीं है जो मतलब कि हम टैक्स पे कर रहे हैं तो कोई भी इंसान अगर कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशन या फिर कुछ संभाल रहा है तो उसे टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा, ये इसका मतलब नहीं है। इसका मतलब ये है कि हम, अब सपोज़ मैं टैक्स पे कर रहा हूँ तो उससे क्या हो रहा है, सरकार क्या कर रही है, सरकार जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है, कंट्री की डेवलपमेंट है, वो यहाँ पर उसमें पैसा लगा रही है। सब्सिडीज जो है वीकर सेक्शन, जो गरीब लोग हैं उनके वीकर सेक्शन के लिए जो सब्सिडी जाती है वो भी टैक्स के थ्रू जाती है, बराबर है। अब यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर अगर मैं सपोज़ टैक्स पे कर रहा हूँ, उसके जो सरकार है
वो पैसा किसी एक रिलीजन के प्रमोशन के लिए लगा रही है, किसी एक रिलीजन के आगे बढ़ने के लिए लगा रही है। तो ये जो चीज़ है उसमें मैं बोल सकता हूँ कि मुझे टैक्स पे नहीं करना है। क्यों? क्योंकि तुम कंट्री की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में काम नहीं कर रहे हो। तुम क्या कर रहे हो? तुम यहाँ पर जो भी रिलीजन है उसका प्रमोशन के लिए जो है पैसा लगा रहे हो, मैं जो टैक्स भर रहा हूँ वो। तो यहाँ पर ये बोलना है कि नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड, मतलब किसी भी इंसान को कंपेल नहीं किया जा सकता है टू पे टैक्सेस फॉर द प्रमोशन एंड मेंटेनेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। मतलब क्या हो रहा है, मेरे टैक्स के पैसों से कोई एक रिलीजन प्रमोट हो रहा है, तो वो जो है वो चीज़ नहीं हो सकती है यहाँ पर, उसके लिए मुझे कंपेल नहीं किया जा सकता है। जैसे अब ये जैसे बोल रहे हैं कि वी डोंट प्रमोट एनी रिलीजन, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर सरकार जो है, मतलब कोई भी अगर सपोज ये सरकार में है तो कोई भी सरकार जो है वो प्रमोट नहीं कर सकती है कोई भी रिलीजन, क्योंकि उनके पास जो पैसा आ रहा है वो किसके थ्रू आ रहा है, वो एक पर्टिकुलर टैक्स के थ्रू आ रहा है, जो मैं टैक्स भर रहा हूँ उससे आ रहा है। अब वो टैक्स के पैसों से कोई भी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट नहीं कर सकती है, और मुझे कंपेल नहीं किया जा सकता है कि तुम टैक्स भरो और हम कोई पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट करेंगे। दिस प्रोविजन प्रोहिबिट्स ओनली लेवी ऑफ टैक्सेस एंड नॉट फीस। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर सिर्फ जो टैक्सेस है वो लेवी करने के लिए जो है वो प्रोहिबिट किया जा रहा है, लेकिन फीस जो है उसके लिए नहीं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं आर्टिकल 28, फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस। अब यहाँ पर फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस के बारे में देखते हैं हम आर्टिकल 28। अब ये क्या बोलता है, नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस शैल बी प्रोवाइडेड बाय इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होली मेंटेन्ड आउट ऑफ स्टेट फंड। कोई भी ऐसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो कि स्टेट फंड से मेंटेन्ड हो रही है, वहाँ पर कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन जो है वो नहीं दे सकते हैं, नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं। मतलब कोई भी स्टेट फंड से कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चल रहा है, वहाँ के बच्चे जो है वहाँ उन्हें बताया जा रहा है कि महाभारत की ये स्टोरीज़ है, भगवद गीता की ये स्टोरी है, कुरान में ये लिखा है, बाइबल में ये लिखा है, तो इस तरीके की चीज़ें वहाँ पर नहीं हो सकती है। हाँ, अगर ऐसा भी नहीं है कि कुरान, बाइबल या इस्लाम में के कोई अच्छे कोट्स जो है अगर वो बच्चों को मोटिवेट करने के लिए काम आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो भी नहीं बता सकते, लेकिन ऐसा है कि एक रिलीजन को प्रोपोगेट वहाँ पर नहीं कर सकते, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन जो है वहाँ पर नहीं दे सकते, तुम ये फॉलो करना चाहिए, तुम ये फॉलो नहीं करना चाहिए, इस तरीके की चीज़ें, जहाँ पर होली मेंटेन्ड आउट ऑफ स्टेट फंड है। लेकिन अगर ट्रस्ट से चल रहा है तो वहाँ पर हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अमिताभ बच्चन साहब बोल रहे हैं ये गुरुकुल स्टेट फंड से चलता है, यहाँ ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स बोलना पड़ेगा। मतलब इसका मतलब क्या है कि ये स्टेट फंड से चल रहा है, मतलब यहाँ पर दूसरी जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस है वो नहीं होगी, यहाँ पर ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स यहाँ पर बोलना पड़ेगा। अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर मैं अलग तरीके से ले रहा हूँ ताकि जो एकदम रिलीजियस सेंटीमेंट्स है वो ये कुछ ना हो जाए, इसलिए मैं एक अलग तरीके से ले रहा हूँ यहाँ पर कि ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स बोलना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर इन शॉर्ट क्या है कि यहाँ पर कोई भी रिलीजियस एक्टिविटीज़ के बारे में नहीं बोलना पड़ेगा, जो हमारा नॉर्मल चलता है, जो हमारे देश के लिए चलता है, जो हमारे देश की वजह से चलता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर बोलनी पड़ेगी। मगर यहाँ पर कोई और आ जाता है कोई चिट्ठी लेकर और बोलता है कि पर ये ट्रस्ट है, ट्रस्ट के अंडर स्टैब्लिश हुआ है, तो यहाँ पर मैं एक लड़की थी दीवानी सी ये सिखाऊंगा। मतलब क्या है कि यहाँ पर ट्रस्ट के अंडर में बैठा हुआ है, तो यहाँ पर मैं रिलीजियस इंस्ट्रक्शन जो है, मेरे जो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन है, अब इसके रिलीजियस इंस्ट्रक्शन मतलब ये मोहब्बतें बांटने वाला, तो यहाँ पर जो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इंसानों के रहेंगी वो यहाँ पर बांट सकते हैं, यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मगर फिर भी यहाँ पर किसी को फोर्स नहीं किया जा सकता है। कोई भी अगर बच्चा होगा वो बोल रहा होगा मुझे ये नहीं सीखना है, तो उसे फोर्स नहीं किया जा सकता कि नहीं तुम्हें सीखना पड़ेगा, ये रिलीजियस प्रैक्टिस जो है वो सीखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, मतलब तीन चीज़ें क्या है, अगर ये स्टेट फंडेड है तो यहाँ पर कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन जो है वो नहीं बताई जाएगी, जो ट्रस्ट के अंडर स्टैब्लिश हुआ होगा वहाँ पर ये हो सकता है, लेकिन किसी को भी फोर्स नहीं किया जा सकता है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, फोर टाइप ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, चार टाइप के होते हैं, आर्टिकल 28 के अंडर में ही है ये। तो चार टाइप के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कौन कौन से है, तो सबसे पहला है होली मेंटेन्ड बाय स्टेट फंड। मतलब क्या है, पूरा स्टेट फंड से मेंटेन रहेगा, पूरा जो स्टेट है वो उसे फंडिंग करेगी, और यहाँ पर रिलीजियस एक्टिविटी चलती नहीं है। नेक्स्ट, एडमिनिस्टर्ड बाय स्टेट बट स्टैब्लिश अंडर ट्रस्ट। मतलब एडमिनिस्टर किया जा सकता है स्टेट के द्वारा, लेकिन वो स्टैब्लिश एडमिनिस्टर किया जा सकता है स्टेट के द्वारा, लेकिन स्टैब्लिश रहेगा ट्रस्ट के अंडर में। तीसरा होता है रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट, मतलब स्टेट जो है वो रिकॉग्नाइज करती है वहाँ पर। उसके बाद आता है रिसीव्ड एड फ्रॉम द स्टेट, मतलब जो स्टेट है वो उसे एड जो है वो प्रोवाइड करती है।
अब यहाँ पर कहाँ कहाँ पर जो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन है वो चलते हैं यहाँ पर दिए हुए हैं, तो होली मेंटेन बाय स्टेट हमने देखा था, अगर होली मेंटेन बाय स्टेट है मतलब गुरुकुल अमिताभ बच्चन का, तो वहाँ पर तो बिल्कुल ही चलता नहीं है, एकदम रिस्ट्रिक्टेड है। एडमिनिस्ट्रेट बाय स्टेट बट स्टैब्लिश अंडर ट्रस्ट, ट्रस्ट के अंडर स्टैब्लिश है मतलब शाहरुख खान, तो वहाँ पर अच्छे से चलता है, वहाँ बिल्कुल चलेगा रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस वगैरह। अब रिकॉग्नाइज बाय द स्टेट मतलब स्टेट के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया है, रिसीव्ड एड फ्रॉम द स्टेट है, तो वहाँ पर पार्शियली चलता है, मतलब वहाँ पर होली तो नहीं चलेगा लेकिन पार्शियली थोड़ा थोड़ा चलेगा, ठीक है। तो इस तरीके की हमारा जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो आप शेयर ज़रूर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए आपको कैसा लगा ये वीडियो, ताकि और जो इम्प्रूवमेंट है मैं वो ला सकूँ। उसके बाद आप इसे शेयर कीजिए और लाइक भी ज़रूर कीजिए, ताकि मेरा जो मोटिवेशन है वो और ज़्यादा बढ़े। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, हैप्पी दिवाली आप सबको, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद।